हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे वीडियो को ये ऑप्शन कैसे भरना है, उसे भरकर बताइए। प्रपत्र को कैसे भरना है, मैंने बहुत सारा अपने वीडियो में पहले बताया था, लेकिन बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए एक एक करके। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए ये दोस्तों, ये है प्रपत्र को, आपको जो भरना है फुल्ली अपने हाथ से भरना है प्रपत्र को, और हाथ से भरकर उसको हाथ से लिखना भी है। और अब क्या दिक्कत, सब बहुत सारे लोग आ रहा था कैसे करना नहीं करना, चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रपत्र को जैसे है दोस्तों, आपको फॉर्मेट में ये देख रहे हैं एकदम, तो सेम आपको उसी तरह से भरना है, कोई भी एक्स्ट्रा अपने दिमाग नहीं लगाना है। चलिए देखिए मैंने कैसे भरा है। देखिए ये इस तरह लिख लेना है प्रपत्र को, जो भी आपको लिख लेना है। देखिए चलिए हम चलते हैं। आप पहला है आवेदित पद का नाम, जो भी आप आवेदित पद का नाम दे रहे हैं, है ना, आपको जो भी चपरासी सफाई कर्मी दफ्तरी जो भी है यहाँ पर आप लिख दीजिए वो नाम जो भी आपका है। ये बोल रहा है देवनागरी लिपि में, यानी मतलब हिंदी में आपको यहाँ नाम लिखना है हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, यहाँ पर जो नाम लिखना है अंग्रेजी में वो लिखना है आपका कैपिटल लेटर में, ठीक है दोस्तों। जैसे मेरा नाम जीशान, तो हमको लिखना है टोटल बड़े अक्षर में, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेना है। और पिता का नाम, जो भी आपका पिता का नाम है, सभी आपको भरना है कैपिटल लेटर में, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए चार नंबर में जन्मतिथि, अंक में मतलब जैसे कि जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है, जैसे पहला महीना है 4/8/1987, जो भी है इन्हें आपको अंक में भरना है। दूसरा है अक्षरों में, यानी 4/8/1987, ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से भर लेना है। और पांचवा है उम्र 1/8/18 को, यानी ये आपका कट ऑफ डेट है, इस दिन आपका एज कितना पूरा हो रहा है ये आपको भर लेना है, ठीक है। मैंने इस पे वीडियो बनाऊंगा आपको, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो आपको निकालने में, मैं तो इसके लिए बनाकर डाल दूंगा, हमें कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। और यह लिंग जो भी आपका है, मेल फीमेल, वो लिख देना है। बस सातवां बोल रहा है कोटी उपकोटि, यानी कैटेगरी, आवेदक स्पष्ट रूप से अपनी कोटि एवं उपकोटि सब कैटेगरी का उल्लेख करें, जो भी आपका है SC ST OBC जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना है। और आठवां बोल रहा है क्या आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो भी है विकलांग श्रेणी में आते हैं, यदि हाँ तो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र है उसको आपको, यानी सेल्फ रजिस्टर्ड स्व प्रमाण करके आपको संलग्न करना है। यदि आप यहाँ पर हाँ लिखते हैं, यदि आपके पास है तो आपको ये देना जरूरी है सर्टिफिकेट, अगर नहीं लिखते हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नौवा है अस्थायी पता, ये आपको जो परमानेंट एड्रेस दोस्तों वो क्या है यहाँ पर लिखना है। और वर्तमान पता, आप कहाँ रह रहे हैं वो देना है। और पत्राचार मतलब आपको जो प्रपत्र खो आएगा या कोई मेल अगर आएगा आपको सिविल कोर्ट की तरफ से, वो कहाँ पर आप मंगाना चाहते हैं यहाँ पर ये लिखना है आप 11 नंबर में, ठीक है। 12वां है शैक्षणिक योग्यता, कि आपने कितना डिग्री हासिल किया, कितना पढ़ा है ना, मैट्रिक है इंटर है जो भी है यहाँ पर लिखना है, ग्रेजुएशन है। और यहाँ पर बता रहा है अनियोग्यता, यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, टाइपिंग किया है, ITI किया है, बहुत सारा आज दोस्तों दुनिया में डिग्री है कोर्स है जो अगर एक्स्ट्रा किए हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए 14 में दिखा रहा दोस्तों संलग्न, ये बहुत जरूरी है ये पॉइंट। देखिए संलग्न मतलब आप क्या क्या इसमें से देख रहे हैं, टोटल इसमें से आप क्या क्या सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं यहाँ पर लिखना है। नंबर देखिए 1 नंबर में मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 2 नंबर में है ना आपको जैसे मान लिया आपको दिए हैं SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट दिए वो लिखना है, उसका सर्टिफिकेट, यानी जो भी इस तरह से नंबर देके आपको लिखते जाना है ना, अपने हिसाब से आपको ये हाथ से लिख लेना है और भरते जाना है। उसके बाद स्थान जहाँ से आप भर रहे हैं, है ना, झारखंड में जहाँ से आप भर रहे हैं, रांची है, गुमला है ना आपका, हजारीबाग है, बोकारो, धनबाद, जहाँ भी से भी अपना भर लेना है दिनांक जिस डेट को आप भर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसको भूलना नहीं है, वरना फिर आपका एप्लीकेशन भरा हुआ सब बेकार हो जाएगा। ये है जो आपका आवेदक का हस्ताक्षर, ये दोस्तों जरूरी है, जो भी आपका है वो साइन कर लीजिए अपना। उसके बाद अब चलते हैं नीचे, घोषणा पत्र ये देख रहे हैं, ये आपको लिखना है मैं, उसके बाद अपना नाम लिखना है आपको, आपको जो नाम है, नाम जो भी है आपको ये लिख लेना है। उसके बाद यहाँ फिर एक बार दोबारा आपको एक बार साइन करना है, याद रखिए दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आखिरी में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक फोटो साटना है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कितना का फोटो साटना है आपको, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर साइज होना चाहिए। और ये भी आपको होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, यानी फोटो यहाँ पर चिपका के आपको साइन करना है, आधा पेपर में आधा
फोटो में, याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको दोस्तों भरने में। तो ये दोस्तों आपका रहा प्रपत्र को, आपको भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हुए, मेरा प्रपत्र को पूरा हो चुका है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं प्रपत्र खो में, ये देख रहे हैं आप प्रपत्र खो, ये दोस्तों यहाँ पर आप एक नोटिस देख रहे थे वो है, देखिए यहाँ प्रपत्र खो, ये निश्चित रूप से टंकित प्रति में आवेदक संलग्न करें, ठीक है। ये क्या है जल्दी दिखाते हैं आपको, जो दोस्तों प्रपत्र खो है वो टाइप करना है, जिस तरह से मैंने प्रपत्र खो को हाथ से लिखकर हाथ से भरा उसके उल्टा है ये बिल्कुल। प्रपत्र खो जो देखिए दोस्तों यहाँ पर पत्र खो, ये आपको टाइप करना है अपने से। दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको अगर टाइप करना नहीं आता है, आपको पैसे के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका दो लिंक दूंगा, एक पीडीएफ का एक एमएस वर्ड में, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों अपलोड करके आसानी से यूज कीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ दोस्तों इसके बदले में हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कि दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया इस वीडियो में, लाइक कीजिए। दोस्तों आप हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और दोस्तों को इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जैसे चलिए आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए नाम देवनागरी लिपि में मतलब हिंदी में, आपको जो भी नाम है आपको हिंदी में भरना है, फिर देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी आपको नाम है आपको बड़े अक्षर में लिखना है। दोस्तों बता दो आपको प्रपत्र को और प्रपत्र खो दोनों में आपको वही नाम भरना है जो आपका मेट्रिक के सर्टिफिकेट में है, सेम 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 जो भी है, आपको कुछ भी अपने दिमाग में लगाना है, पत्राचार का पता ही नहीं, आपको जो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपको भेजेगा सिविल कोर्ट से वो कहाँ आएगा वो यहाँ देना है पता। आवेदित पद का नाम, यानी आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, चपरासी दफ्तरी माली जो भी है, जेरोक्स है ना उसके लिए यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नाम, फिर आपको अपना नाम देना है, फिर से हिंदी में लिख सकते हैं, फिर आपका पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, जन्मतिथि जो भी आपको जन्मतिथि इसे लिखना है, जो मैंने वहाँ लिखा था ऐसे ऐसे नहीं अंक पे लिखना है, 4/8/1987 जो भी है आपको लिखना है। और इसको देखो दो आपको आना है ऊपर, या देखिए फोटो है सेम उसी तरह जो मैंने प्रपत्र क्रम में बताया था, आपको फोटो यहाँ साटना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना खुद का साइन किया हुआ, यानी आधा पेज में और आधा फोटो में साइज सेम होना चाहिए कि इसमें आ जाए। और उसके बाद देखिए चलते हैं आगे, केवल कार्यालय उपयोग होती है, जैसे इसके नीचे आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये देखिए साफ लिखा हुआ केवल कार्यालय के उपयोग होती है, इसको जो है वो सिविल कोर्ट जो है कार्यालय वो भरेगा, आपको कुछ नहीं भरना है। और ये जो है आपको दोस्तों आपको ये आपका वहाँ से जो है आपका एडमिट कार्ड यही बन के आएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्रपत्र खो भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों दोनों फॉर्म मैंने भर दिया, प्रपत्र खो और प्रपत्र खो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है चलिए दिखाते हैं। चलिए आप मान लीजिए एक इनवेलप आपको दो चाहिए, एक चाहिए छोटा इनवेलप, इसमें कि आपको 40 रुपया का डाक टिकट लगाना है, प्लस आपको यहाँ पर अपना पता लिखना है टू, क्योंकि वो आपको सिविल कोर्ट वाला भेजेगा, यहाँ पर टू अपना पता जो भी आपका अपना पता है, नाम पहले अपना पता पिन कोड जो भी है भर लेना है, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जो भी आपने संलग्न किया है, प्लस जो फॉर्म भरा है प्रपत्र कॉक हो, और प्लस 40 रुपये का डाक टिकट, एक फोटो और एक 160 के, और प्लस ये इनवेलप, सबको एक मेन इनवेलप में भरना है दोस्तों, दिखा रहे हैं मेन इनवेलप जो कि आपको जाएगा सिविल कोर्ट में। उसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको फॉर्म हिंदी में लिख सकते हैं प्रेषक, यहाँ अपना नाम पता पिन कोड जो भी है, प्लस टू नहीं किसको भेज रहे हैं, उसको कहाँ भेजना है आप तो जानते ही हैं, फिर भी आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, वो भेजना है देखिए सेवा में निबंधक व्यवहार न्यायालय रांची, इस पते पर आपको भेजना है, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और भरने के बाद सब कुछ दोस्तों जो भी है आपका छोटा वाला ये इनवेलप, आपका जो ये प्रपत्र को, आपको जो प्रपत्र हो ये जो भी भरा, प्लस जो फोटो वगैरह जो साटा, प्लस एक एक्स्ट्रा फोटो, और 40 रुपये का इसमें 60 का एक डाक टिकट, सबको इस फॉर्म में भरना है और आपको रांची भेज देना दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ, तो जवाब दूंगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।